बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आज फिर से दूसरे वक्त यूनियन बजट पे बोलने का, समर्थन देने का आपने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने यूनियन बजट के पहले ही जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तो उसी समय 26 मई को उन्होंने देश को एक मूल मंत्र दिया था। वो मूल मंत्र सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं, तो हर एक धाराओं में मूल मंत्र देके उन्होंने कहा था कि मैं हर जगहों का एक एक रूप से अलग अलग विकास करूंगा, जिससे हम साथ में मिलके सबका विकास सबका साथ सबका विकास के रूप से हम आगे जा सकते हैं। उस मूल मंत्र में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, श्रमेव जयते, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, युवाओं के लिए स्किल इंडिया का विचार, इन सारी धाराओं को लेके वे आगे गए थे। जब यहाँ पे बैठे हुए ऑपोजिशन पे सारे हमारे मित्र, इतने होशियार मित्र, जब कहते हैं कि ये बजट कॉरपोरेट के लिए है, ये बजट इसके लिए, इसकी पूरी तरह मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि इस बजट का नाम ही सबका बजट है। ये सबका बजट इसीलिए है क्योंकि इसमें हर धाराओं का विचार प्रधानमंत्री जी ने जो किया था वो सबके सामने दिया हुआ है। हर एक मूल मंत्र का विचार करके लोगों के सामने उस सबका बजट सामने लाया है। वो विचार शिशु का हो, उसके स्वास्थ्य का हो, उसकी शिक्षा का हो, उसकी सुरक्षा का हो, उसकी नौकरी का हो, उसका सम्मान का हो, या उसकी सेवा का हो, वो दरिद्र नारायण की सेवा हो, वो देश के युवाओं की सेवा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, उन सब मुद्दों पे लेके ये बजट सबका बजट के रूप से आप हमारे सबके सामने आया है। उपसभापति महोदय, मैं एक माँ हूँ, हम सब देश में इतना ही चाहते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि एक परिवार के रूप से आदमी क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं जिस प्रकार से जिंदगी जिया हूँ या जी हूँ, उस प्रकार से मेरी जिंदगी उससे भी बेहतर मेरे बच्चों को मिले, मुझसे भी बेहतर शिक्षा मेरे बच्चों को मिले, मुझसे भी बेहतर उनको नौकरी मिले, और मुझसे भी बेहतर उनकी जिंदगी और आगे बढ़े। इसी रूप से हर कोई इंसान सोचता है कि मेरा जो कुछ हुआ लेकिन मेरे से अच्छा मेरे परिवार को मिले। यही सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के 125 करोड़ लोगों के लिए, अपना लोग समझ के, अपने बच्चे समझ के, उन सब के लिए आगे रखी है कि ये सब लोग देश के 125 करोड़ जो देश की जनता है वो मेरे लोग हैं। ये बजट सिर्फ आज का बजट, अगले साल का अलग बजट, या 2019 में बनने वाला चुनावी बजट नहीं। तो ये बजट इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बजट के रूप से हमारे देश की मानसी हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हम जिस सोच में लोगों को आगे दिखाना चाहते हैं कि राजनीतिक बजट या यहां वहां आंकड़ों का आकलन करने से अच्छा हर किसी आदमी के हाथ में क्या मिलता है, उसको उसका कितना फायदा होता है, इस रूप का बजट दिखाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि एक फलदार वृक्ष हमें देखना है, उस फलदार वृक्ष को देखते हुए जब हम सोचते हैं कि हमारा भी देश ऐसी फलदार वृक्ष हो, तो हमारे वक्त देखते हैं कि जब छोटा पौधा होता है तो उसे खाद, पानी, अच्छा सूर्य प्रकाश, इस रूप से ताकत देने बहुत जरूरी होती है। वही विचार से एक शिशु की शिक्षा कितनी जरूरी होती है, इस बजट से दिखाई गई है। मैं आंकड़ों पे आप पे फेंकना नहीं चाहती कि 42,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन को दिए गए हैं, हायर एजुकेशन को 26,000 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा में जरूरी है कि IIT के लिए एडिशनल 3,538 करोड़, IIMs जो 7 नए IIMs बनने वाले हैं उनको 275 करोड़, और सबसे सराहनीय बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि हमारे स्कूलों में बच्चे प्राइमरी स्कूलों में तो जाते हैं लेकिन चौथी के बाद, बहुत हम जब गांव में देखते हैं, इवन हमारे यहाँ शहरों में भी देखते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में लेकर रहते हैं, चौथी के बाद ड्रॉपआउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे वित्त मंत्री जी को कि एडिशनल सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पिछले साल के बजट से भी ज्यादा 3,565 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे ड्रॉपआउट रेट भी कम होगा और बच्चे अपने रूप से आगे और उच्च शिक्षा का अभियान आगे बढ़ा सकते हैं। स्कूलों में बेटियों की अपेक्षा होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विचार तो हम लेते ही हैं, लेकिन बेटी जब तक हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी, स्कूलों में जाके पढ़ेगी नहीं, उसकी लाज लच्छा, उसका अभिमान हम साथ नहीं रखेंगे तो ये नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अब तक 64,935 टॉयलेट हम लोग स्कूलों में बनाए हुए हैं, लेकिन अभी इस बजट में ये प्राविधान दिया है कि आने वाले सालों में 4,04,035 टॉयलेट हम शौचालय स्कूलों में बनाएंगे, जिसे बहुत बार कहा जाता है, ये गुजरात में भी बहुत अच्छे रूप से अभ्यास किया था जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, कि जिस प्रकार से
बच्चियों के लिए स्कूलों में जब टॉयलेट बनाए गए तो ड्रॉपआउट रेट कम हुआ, उसी रूप से एक बहुत अच्छी सराहनीय इस बजट में व्यवस्था की गई है। जब हम सबका बजट कहते हैं तो जब बच्चा शिक्षा लेता है, सुरक्षा लेता है, स्वास्थ्य रूप से आगे बढ़ता है तो उसके लिए नौकरी बहुत जरूरी रहती है और वो उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो पड़ाव उसके सम्मान का पड़ाव होता है। और पिछले आप देखते रहे होंगे कि एनडीए की जब पहली सरकार थी हमारी, तभी हमने 6 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से 6 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिए हुए थे। लेकिन जब उसके बाद यूपीए 1 और यूपीए 2 की 10 साल की सरकार आई तो वहां पे 1.5 करोड़ लोगों को भी रोजगार मिल नहीं पाया। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारी मानसी यहाँ पे तो कि बैठा नहीं है, लेकिन उसको मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन अभी फिर से एनडीए 2 की सत्ता आई हुई है और जिस प्रकार से इस बजट ने एक फिस्कल डिसिप्लिन, एक अनुशासन को आगे बढ़ा के जिस प्रकार से सोच आगे बढ़ाई है, उस सोच के रूप से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, उस सोच के रूप से हम ये देख सकते हैं कि आने वाली ये मैं आपके साथ आने वाली जब 2014 में हम शुरुआत करेंगे तो 2020 तक इस प्रकार से हम एनडीए के 2 के माध्यम से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,37,000 करोड़ रुपया डाला हुआ है, एजुकेशन में ज्यादा पैसे डाले हुए हैं, उस तरह से बच्चों को सालाना नौकरी मिलते मिलते 5 करोड़ जॉब्स 2020 तक मिल सकती है और उसका विश्वसनीय एजेंसी सिरिल ने इसका वापर करके उसके रूप से बताया गया है। मुझे पता है समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं। हम सब यहाँ पे बैठे हुए भारत के हर एक नागरिक यही चाहते हैं कि इस देश का भवितव्य आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। मैं मुंबई एक शहर में रहती हूँ, लेकिन जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आती हूँ उपाध्यक्ष जी, वहाँ पे 70% लोग सारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जब यहाँ पे लोगों ने टीएमसी के एक बहुत युवा नेता ने एक धुआंधार भाषण में कहा गया कि जनधन योजना 80% बंद हो गई है, तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जनधन ये ऐसी योजना है। मैं अपनी गली गली हर एक झुग्गी झोपड़ी में जाती हूँ, वहाँ पे हर इंसान और हर महिला ने इतना ही कहा है, हमें हमारा मान सम्मान मिला है और पहली बार इस देश की अकाउंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन में मेरा खुद का एक सम्मान बढ़ा है। जब तक इस देश में हर एक भारतीय का सम्मान हम नहीं रखेंगे, उसका हुनर हो तो स्किल डेवलपमेंट से उसको नौकरी नहीं देंगे, जिसकी ताकत हो उस रूप से उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैं अभी धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे एमओएस जयंत सिन्हा जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको इसलिए भी धन्यवाद दूंगी, 1999 में उनके पिताजी ने इंश्योरेंस बिल आगे लाया था और 2015 में उनके हाथों से वो इंश्योरेंस बिल भी पास हुआ है और वो हर वक्त एक फॉरवर्ड थिंकिंग के रूप से, रियलिस्टिक बजट के रूप से आगे बढ़ा के हमको यही कहना चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, महिलाएं हो, सशक्त किसको करना हो तो वो जनधन योजना के रूप से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा कहूंगी नहीं, लेकिन सुरक्षा के रूप से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, मेरा कुछ हो जाए मेरे बच्चों का क्या होगा, इस रूप से जब हम आगे सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने मात्र 12 रुपए हर साल आप रखेंगे तो 50% अपने रूप से सरकार 2 लाख रुपए की आपको बीमा देंगे। मुझे पता है कि मैं एक ऐसे शहर से आई हूँ, सर एक सेकंड में, मैं इतना ही धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको कि शिशु शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य सम्मान और सेवा के रूप से 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के हमारे युवाओं को हम ज्यादा ताकत देना चाहते हैं। मिडिल क्लास हो, युवा हो, हर किसी की ताकत हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने कविता कही थी कि हर वक्त कांटों की तकलीफ होती, उसका ही मैं अंत में 2 वाक्यों में अपना भाषण समाप्त करूंगी कि कांटों की अपनी कहानी है, कांटों की अपनी कहानी है और वो हमारी सबकी परेशानी है। कुछ फूल खिलाए हैं हमने और कुछ फूल खिलाएंगे, इस बाग की, इस देश की खुशबू विश्व भर में सफलतापूर्वक हम फैलाएंगे, इतनी अपेक्षा मैं करती हूँ और मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।